जी वो लोग आए मतलब हंसवे हथियार के साथ और हवाई फायरिंग करने लगे। थाने के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? जी थाने की उपस्थिति में हवाई फायरिंग की गई और हम लोग को बोला गया कि आप पीछे हट जाइए। हम लोग पीछे हट गए। उसके बाद थाने को क्रॉस करके थाने के आयो थे विद्या बाबू और विनोद कुमार यादव नदी और 112 उसके क्रॉस करके हम लोग को खड़ेद कर मारा गया। हम लोग भाग रहे थे, उन लोग खड़ेद कर मार रहे थे गोलियों से। जी हाँ, ये विनोद कुमार नदी थाना का जो दरोगा है या SI है उसके सामने गोली चलाया गया। उसके सामने 3 हत्या हुआ है, उसके सामने उसी के सामने हुआ। उसको हम बोलबो कि सर आप रोकिए, तो वो लोग गोली को राइफल अपना कॉक करके सीधे पीछे गली में भाग गया। अब बोलिए, रोका नहीं, उसके सामने मर्डर हुआ। खुद ने विनोद कुमार ने मर्डर करवाया है। ठहरे हैं, गोली चल रहा है, ताकि हम क्या करें, गोली चल रहा है तो हम मराए जाएं, हम गोली खाएं। हम कहिए आप काहे ला प्रशासन है बताइए। हम दौड़ के जाके गौतम के पकड़ लिए, छोड़ के चल गई। बताइए सर, ये निर्णय होना चाहिए। सब थाना खरीद ले, नदी थाना, फतुआ थाना, सब खरीद ले। सारी पुलिस खड़ी थी। जो विनोद कुमार ऐसा या दरोगा है उसके सामने गोली मारा, 3 गोली। जो गौतम कुमार है, गौतम कुमार का स्पोर्ट पर ही गोली मारा सीना में। हाँ, उसके सामने अवैध हथियार के साथ आया। हम लोग निरत्य थे, हम लोग लड़ाई के मकसद से नहीं थे, हम लोग समझौता के मकसद से थे। वो लोग आया 10 गो से, सबके पास राइफल था, दुनाली राइफल था, बिना लाइसेंस विदाउट लाइसेंस सामान है उसके पास। और लोग उसके साथ 10-60 शूटर रखा हुआ था अगल बगल का। एक है गरो चौक का शंकर कुमार, एक विमल कुमार उसका ड्राइवर है, उसने भी गोली चलाया है। पिंटू कुमार है, बैजू राय है, दीना राय है, उसमेश राय है, रितेश उप लप्पू है, सबने गोली चलाया। गोली जब मारी जा रही थी तो पुलिस वहाँ थी? थी, उपस्थित थी। विनोद कुमार ऐसा है नदी थाने का, उसके साथ जो जितना भी दल बल था वो सब था। आप इस बात को विनोद कुमार से पूछिए कि आप किसके साथ थे, दल बल के साथ वो लोग था, दो लेडीज भी था सर। नहीं सर, कुछ बोल ही नहीं रहा था, देख रहा था सर, भाग रहा था अपने खुद। जब गोली चला ना, कुंदन कुमार सर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुलशन कुमार हुआ, मेरा बड़ा भाई था, भाई था, समझिए तो अपना भाई था। ये मेरा बेटा हुआ, अपना भतीजा। नहीं तो कोई नहीं, नहीं है तो कोई नहीं। क्या हमको इंसाफ चाहिए? मेरा पति को जो मारा उसको भी तुम फांसी का सजा दीजिए। पूरा फैमिली मिल के, पूरा उसका चच्चा बच्चा जो है सब मिल के मेरा पति को मारा है। सबको आप लोग पकड़िए, आप लोग कीजिए। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से क्या इंसाफ देंगे? और यही कि मेरे बच्चों के लिए कुछ करेंगे और हो सके तो हमको जॉब दे दें। जब अपना बाल बच्चा को आगे मतलब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बहुत शौक से अपना बाल बच्चा को पोस रहे थे कि आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मेरा दम मेरा दुनिया ही उजाड़ दिया, तो हम आगे अब क्या चीज से बढ़ेंगे? घटी है क्या? आज दोपहर में जेठुली गांव है नदी थाना अंतर्गत, वहां पे दो ग्रुप में कुछ किसी छोटे से विवाद को लेके झगड़ा हुआ। झगड़ा बड़ा होता चला गया और उसी में फायरिंग हुआ, एक पक्ष के द्वारा फायरिंग किया गया। उसमें करीब 5 लोग इंजर्ड हैं और उसमें 2 की मृत्यु का हम लोगों को न्यूज़ मिल रहा है। एक का बॉडी यहाँ पे आ गया है और बाकी जो इंजर्ड हैं वो भी अभी क्रिटिकल हैं। यहाँ पे हम लोग पुलिस कैंप कर रही है, इसमें हम लोगों ने अभी तक 7 अरेस्टिंग कर ली हैं, जो कि जो घटना में शामिल थे उनकी 7 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है। नाम सर नाम है उसमें, एक यहाँ का वर्तमान मुखिया भी है जिसकी अरेस्टिंग की गई है और नाम हम थोड़ी देर में आपको क्लियर कर देंगे। इसमें और जिन जिन उनका नाम आया है उनकी अरेस्टिंग का प्रयास चल रहा है और अभी यहाँ पे गाँव में पुलिस फोर्स कैंप करेगी जब तक माहौल यहाँ यहाँ पे अक्यूज के घर पे कुछ आग का घटना किया गया था। हम लोगों ने फायर ब्रिगेड बुला के उसको भी जो है हम लोगों ने कंट्रोल में कर लिया है। अभी धीमे धीमे सिचुएशन सामान्य की तरफ जा रही है। जी। अभी आप लोगों ने इस घर से एक अक्यूज को बचाया है? ये बेसिकली अक्यूज के घर हैं, इनके परिवार भी यहाँ फंसे हुए थे, तो उसमें जो जो ये लोग नाम दे रहे थे हम लोगों ने सर्च किया है, रेड किया है और जो जो हम लोगों को मिल रहा है अभी फिलहाल हम लोग उसको यहाँ से हटा रहे हैं और जैसे जैसे इसमें नाम इसमें क्लियर होगा उसमें अरेस्टिंग की जाएगी। एक आरोप लग रहा है कोई
राय की कोई है ऐसा ही, उनके सामने गोली मारी गई, वो लोग चिल्ला रहे थे बचाइए बचाइए, लेकिन एक्यूज जो है गोली उनके सामने इस गौरव जी को मारा गया है। जब मैं यहाँ पे पीओ पे आया तो मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों ने कुछ इस तरह की सूचना दी है, इस तरह की बात बताई है, ये बड़ा गंभीर चीज़ है, अगर ऐसा हुआ है इस पर हम लोग जाँच करेंगे।